नमस्कार, आप देख रहे हैं पोस्टपुल न्यूज़ मीडिया और मैं आपके साथ सलोनी सरीन। दिल्ली हिंसा को लेकर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भाजपा सरकार और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा है। सोनिया गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली हिंसा एक सोचा समझा षड्यंत्र है, ये हमने दिल्ली चुनाव के दौरान भी देखा था। केंद्रीय नेतृत्व और दिल्ली सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए सोनिया गांधी ने 5 सवाल पूछे। कांग्रेस कार्य समिति की एक आपातकालीन बैठक हुई। पिछले इतवार से हो रहे लगातार दर्दनाक हादसों के पीछे एक सोचा समझा षड्यंत्र है। इस साजिश को देश ने दिल्ली के चुनाव के दौरान भी देखा। भारतीय जनता पार्टी के अनेक नेताओं ने भड़काऊ भाषण देकर डर और नफरत का माहौल फैलाया। पिछले 72 घंटे में केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा जानबूझकर कुछ कार्यवाही न करने के कारण 20 से अधिक जिंदगियां जा चुकी हैं। पूरी स्थिति को देखते हुए कांग्रेस कार्य समिति का मानना है कि दिल्ली में मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार, खासतौर से गृहमंत्री जिम्मेदार है। फौरन तौर से जिम्मेदारी लेते हुए गृहमंत्री को अपना इस्तीफा देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री और दिल्ली सरकार भी शांति और सद्भाव बनाए रखने में पूरी तरह से विफल है तथा जिम्मेदार है। कांग्रेस कार्य समिति देश की ओर से सवाल पूछती है। सोनिया गांधी के 5 सवाल। पिछले रविवार से गृह मंत्री अमित शाह कहां थे और उन्होंने क्या कदम उठाए? दिल्ली के सीएम केजरीवाल क्या कर रहे थे? दंगे वाले इलाके में कितनी फोर्स भेजी गई? पैरामिलिट्री फोर्स बुलाने में इतनी देरी क्यों हुई? और दिल्ली चुनाव के बाद खुफिया विभाग के पास क्या इनपुट थे? इतना ही नहीं, आगे सोनिया गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली हिंसा पर देरी से कार्रवाई करने को लेकर इस्तीफा भी मांगा है। नंबर एक, पिछले इतवार से देश के गृह मंत्री कहां थे और वो क्या कर रहे थे? नंबर दो, पिछले इतवार से दिल्ली के मुख्यमंत्री कहां थे और क्या कर रहे थे? नंबर तीन, दिल्ली चुनाव के बाद इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा क्या जानकारी दी गई और उन पर क्या कार्रवाई हुई? नंबर चार, इतवार की रात से कितनी पुलिस फोर्स दंगों वाले इलाके में लगाई गई, जब ये साफ था, बिल्कुल साफ था कि दंगे और ज़्यादा फैलने वाले हैं? नंबर पाँच, जब दिल्ली में हालात बेकाबू हो गए थे तो पुलिस का कंट्रोल नहीं बचा था, तो ऐसे में और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस क्यों नहीं बुलाया गया? सोनिया गांधी ने कहा कि दिल्ली पुलिस पिछले 72 घंटों से निष्क्रिय है। 20 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें एक हेड कांस्टेबल भी शामिल है। सोनिया ने कहा, दिल्ली में हो रही हिंसा और जान माल नुकसान के बाद स्थिति पर चर्चा के लिए बैठक हुई। यह एक सोचा समझा षड्यंत्र है। भाजपा के कई नेताओं ने भड़काऊ बयान देकर नफरत और भय का माहौल पैदा किया है। आगे सोनिया गांधी कहती हैं कि मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार और खासकर गृह मंत्री जिम्मेदार हैं तथा उन्हें तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली हिंसा से जुड़ी सारी खबरों के लिए जुड़े रहें पोस्टपुल न्यूज़ मीडिया के साथ। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पोस्टपुल न्यूज़ मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबा दें, ताकि हम कोई भी वीडियो अपडेट करें तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। थैंक यू।